तो यार यहाँ पे हो चुकी है बड़ी समस्या। भाई साहब मैं आया हूँ आरटीओ रूट की, मैं क्या कर सकता हूँ बताइए। सोचो सारी चीजें हमने बता दी, खुद सोचो। उसको सही तरीके से भी हम कर सकते हैं। इनको ये नहीं पता ढंग से कि अगर बंदा इंडिया से बाहर घूमने जाता है तो उसको परमिट कौन देगा, कौन ऑथराइज्ड है परमिट देने के लिए। मैं एज अ नागरिक इस देश का, मैं किसके पास जाऊँ? मुझे दूसरे देश में जाके स्कूटर चलाना है। निका हाय, आई रिसीव्ड योर टेक्स्ट दैट इट्स अ गुड न्यूज दैट यू कैन मैनेज द वीजा एंड फ्लाइट फॉर श्रीलंका। सो श्रीलंका इज नमस्ते एवरीवन, सो फाइनली वी आर पैकिंग एंड आई नो दिस गोना बी द बेस्ट ट्रिप। आई डोंट नो व्हाट टू पैक बिकॉज आई एम अ गर्ल, आई नीड एवरीथिंग, आई नीड कॉस्मेटिक, आई नीड फैंसी क्लोथ्स, आई नीड एवरीथिंग and I want to pack whole my apartment but I cannot. I need to choose the essential things for me. Let's pack. So guys, this is the most fun part for me, the online order. I'm using this Ozon app. This is the biggest one in Russia and really convenient. So I'm going to order some clothes and something essential for me. So guys, let's quickly check what I have. A cosmetic bag. I have many things. We will check how much will be the weight. So I have sunscreen, two sunscreen actually. Then I have my face cosmetic for skincare. Also passport. So my cosmetic weight is 1 kilogram. सब कुछ बड़ा साफ सुथरा दिख रहा होगा ना, पर यहाँ पे सच्चाई नहीं है क्योंकि अब मैं दिखाऊंगा लॉन्डे कैसे पैक करते हैं। तो पहले हमने पूरा बिस्तर फैला लेना है। स्टेप नंबर टू, गिनती के 2 टी-शर्ट, 2 पैंट, 2 कच्चे फिक्स। स्टेप नंबर 3, भर भर के इलेक्ट्रॉनिक्स, भर भर के सामान, रिकॉर्डिंग का, वीडियो का, ड्रोन का। इतने में 7 किलो पूरा। मैं अपने कॉस्मेटिक्स दिखाता हूँ क्या है। एक कंघा, एक ट्रिमर, एक टूथब्रश, कॉस्मेटिक पूरे। दूसरे पैकेट में थैला भर के दवाइयाँ, पेट दर्द, एसिडिटी, बुखार, पैर में मोच, ये वो भर लिया। उसके बाद यहाँ पे एक ऐसी चीज है ना जो आप देख के पगला जाने वाले हो, ये है ये वेइंग मशीन। मैंने कहीं से जुगाड़ करके ला के रखी है और मैं एक एक चीज का वजन ले रहा हूँ कि कोई भी चीज मेरी टोटल मिला के 7 किलो बैग में ला के क्रॉस नहीं करनी चाहिए। विक्टोरिया तो बड़ी साफ सुथरा दिख रहा है लड़की वाला, मेरा देखना। साथ में गियर्स, हेलमेट पे कैमरा माउंट, पानी में जाने के लिए वाटरप्रूफ बैग, डॉक्यूमेंट्स का पूरा पैकेट। लड़कियों की पैकिंग में आपको मेनली मिलेगा कॉस्मेटिक्स, ड्रेसेस, प्यारे प्यारे सामान, अच्छे अच्छे दिखने वाले। लड़कों के केस मिलेगा बैग उठाया, सब ठूंस दिया अंदर, बंद कर दिया, जिसमें निकालने पे नारंग बिरंगे फैशनेबल कपड़े निकलेंगे। सब बहुत मैसी होगा अब, लेकिन यही सत्य है। कभी देखा है किसी को जर्नी पे एक्सटेंशन बोर्ड रखते हुए? हाँ, क्योंकि यार मेरे पे चार्ज करने की इतनी चीजें हैं कि छोटे 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 सॉकेट लगा देता हूँ, वो इंटरनेशनल ऑल इन वन है। एक बैग जो कि खुल के 15 लीटर का बन जाता है, 100 ग्राम का वजन है इसके अंदर। बाकी एक सेट कपड़े का तो पहन के जाऊंगा, 2 सेट रख ली, 3 सेट बहुत, 3-4 महीने तक आराम से चलेंगे भाई मेरे। नहीं चलेंगे रास्ते में 400-500 रुपए की रेंज के कपड़े खरीद लूंगा। विक्टोरिया के केस में कपड़े, कॉस्मेटिक्स और उसके सामान से ही 7 किलो हो गया। मेरे में कपड़े 1 किलो भी कपड़े नहीं है। ये कपड़े अगर मैं दिखाऊंगा ना जितने हैं, ये 1 किलो भी नहीं हो रहे हैं। ड्रोन, उसकी बैटरी, कैमरा, एक्सेसरीज मिला के 3 किलो जा रहे हैं। बाकी जो मैंने छोटी छोटी चीज दिखाई, दवाइयां, चार्जर्स, एक्सटेंशन, रस्सी रखी है मैंने पूरी, एक टॉर्च, ये सब सामान से 4 किलो पूरा हो गया। 1.5 किलो का बैग है, यानी 8-8.5 जा रहा है। अब देखूंगा कैसे एडजस्ट करूंगा मैं। A few moments later. So Vika, I am completely prepared. My bag is packed, passport done, flight done, visa done. What about you? Yes, me too. तो यार हम लोग पूरा प्रिपेयर हो चुके हैं, सब डन हो चुका है, पैकिंग वैकिंग। आर यू श्योर वी आर नॉट फॉरगेटिंग एनीथिंग? आर वी गोइंग टू ड्राइव अ बाइक? ड्राइव बाइक मींस टू रेंट अ बाइक एंड ट्रैवल देयर। ऑब्वियसली यू आर ट्रैवलिंग, वी आर गोइंग टू रेंट अ बाइक और स्कूटर, मे बी कार इफ पॉसिबल, वी कैन मेक अ ग्रुप एंड वी विल ड्राइव, सेल्फ ड्राइव हियर। सो कैन योर लाइसेंस वर्क देयर? आई थिंक इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस शुड वर्क। बेटर टू चेक, बेटर टू चेक इट। लेट मी चेक एंड गेट बैक टू यू। Okay.
तो यार यहाँ पे हो चुकी है बड़ी समस्या। मैंने अभी ऑनलाइन चेक किया, अगर इंडियन या कोई भी बंदा किसी दूसरे कंट्री में कार ड्राइव या बाइक ड्राइव करता है, नॉर्मल रेंज की बाइक और नॉर्मल रेंज की कार या स्कूटर, तो उसको इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट इशू करना पड़ता है। अभी कैसे वो इशू होता है मुझे पता नहीं है, तो मैं जाता हूँ डायरेक्ट अभी RTO निकलता हूँ, अपना जो RTO ऑफिस है मेरे घर के पास, उनसे पूछ के आता हूँ वो सोल्यूशन है लोग के पास, क्योंकि एट दी एंड मेरे लिए फर्स्ट कॉन्टैक्ट तो वही है पता करने के लिए जो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है। चेक करके आता हूँ उन लोगों से क्या चक्कर है। पहले तो मैं नीचे उपलब्ध खिड़की पे पूछने का ट्राई किया, उसके बाद जवाब न मिलने पर मैंने सोचा चलो ऑफिसर को ही ढूंढते हैं। आपने बताया तो मैं ऊपर आ भी गया, नहीं तो मैं तो चला जाता पूछ के, विंडो वाले लोग तो जवाब नहीं देते। डीएल नंबर इंडिया का DL जो है ना वो अराउंड 120 या 110 कंट्रीज में काम करता है, उसमें फिर एक एक अप्लाई करना पड़ता है इसके हिसाब से, और ये इसकी वैलिडिटी एक साल होती है। क्योंकि लोग जाते हैं निकलते हैं लंबा लंबा टूर करने, कई लोग तो इंडिया से अपना मोटरसाइकिल लेके मलेशिया तक जाते हैं पूरा, तो वो फिर कुछ मतलब या तो अगर नहीं है तो इसमें आगे नहीं। देखो कई कंट्रीज़ में क्या होता है वीज़ा ऑन अराइवल्स होते हैं कि आप जाओ और एयरपोर्ट पे वीज़ा मिलता है या बॉर्डर पे मिलता है, तो पहले से भी उनका वीज़ा दे नहीं सकते सिस्टम को कि आप इस कंट्री की कर दो। ये तो ये कि एक रेफरेंस कंट्री जैसे श्रीलंका है, मैंने दे दिया, अब उसके बेसिस पे IDP इशू हो गया जो कि 110 या 120 कंट्री में वैलिड है और मैं वहाँ जाके यूज़ कर सकता हूँ, ऐसा होना चाहिए कहीं वैसे देखा जाए तो, लेकिन ऐसा है। $100 का मिनिमम फाइन है। तो फिलहाल आपको क्या इस पे करना क्या है अभी क्या मैं क्या कर सकता हूँ बताइए। परमिट तो आप करेंगे, परमिट हम उसी करेंगे जो हम कर सकते हैं, हम कोई मैजिशियन नहीं है, हमारे पास जो सिस्टम में आ रहा है उसी के उसमें फॉलो कर सकते हैं। अगर तुम्हें एक कंट्री शो करे तो हम एक ही कंट्री करेंगे, है ना, तो हम उसमें हमारे हाथ में कुछ अभी जो प्रोविजन हमारे सिस्टम में वही हम बता पाएंगे, हम भी कुछ नहीं कर सकते। पर मेरी फिर भी एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको ऊपर रेस कीजिए, मतलब जो चीज़ होनी चाहिए वो होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है उसको सही तरीके से भी हम कर सकते हैं। बाकी थैंक यू आपके टाइम के लिए। भाई साहब मैं आया हूँ RTO रुड़की। तो भाई साहब नॉलेज के हाल इतने ख़राब हैं, मेरे सामने RTO ऑफिस है, मैंने इन लोगों से पूछा कि भाई आप लोगों को नहीं पता होगा तो किसे बताऊँगा, इनको ये नहीं पता ढंग से कि अगर बंदा इंडिया से बाहर घूमने जाता है तो उसको परमिट कौन देगा, कौन ऑथोराइज्ड है परमिट देने के लिए, और वो परमिट अगर कोई मल्टी कंट्री है, जैसे मैं अगर जा रहा हूँ मैं मान लो 10 कंट्री घूमूंगा तो वो 10 कंट्री का कैसे मिलेगा। ये बोल रहे हैं कि एक कंट्री का वीज़ा दे दो हम पर एक परमिट लेटर बना के दे देंगे। मैंने कहा भाई एक साल का दोगे, एक साल तो मैं उस कंट्री में नहीं रहूँगा, मान लो वियतनाम जा रहा हूँ, मान लो वियतनाम से मैं थाईलैंड निकल गया फिर क्या करूँगा। कह रहे फिर आपको नया ADP देना पड़ेगा और उसका प्रोसेस ऑफलाइन है, पहले ऑनलाइन अप्लाई करो फिर सेंटर में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके आओ। मैंने कहा यार ऐसा तो नहीं, आप सोल्यूशन देखो। तो ऑफिसर को पता ही नहीं है कि मल्टी कंट्री होता भी है नहीं होता, वो फ़ोन लगा के पूछ रहे हैं। चलो ये भी अच्छी बात है पूछ रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि अगर ऑनलाइन कंपनी है जो दे पा रही है तो आप क्यों नहीं दे पा रहे हो मल्टी कंट्री एक साथ। वो बोल रहे वो तो हमें नहीं पता, अब घर जाके इसका सोल्यूशन करते हैं क्योंकि बाहर गाड़ी चलानी है। लेकिन चलो ये अच्छी बात है, लोग सपोर्टिव है, डिस्कशन करने पे आ गए, बट उसका मैं क्या चाह डालूं, मेरा सोल्यूशन तो मिला ही नहीं। तो यार हाल इतने खराब है, मैं अभी लौट के आ रहा हूँ वापस IIT ऑफिस से और इनको पता ही नहीं है, कमाल की बात इनको पता ही नहीं है। मैं सोच रहा हूँ मैं एज अ नागरिक इस देश का मैं किसके पास जाऊँ, मुझे दूसरे देश में जाके स्कूटर चलाना है। मेरे जैसे और भी बहुत लोग होंगे जो सोचते होंगे या जाते होंगे कि यार बैंकॉक थाईलैंड या वियतनाम या अफ्रीका कहीं भी जाएं वो स्कूटर कैसे रेंट करें सिंगापुर, तो इन लोगों को तो नहीं पता। तो यार मुझे मिली है एक ऑनलाइन कंपनी जिसका नाम है इंटरनेशनल ड्राइविंग एसोसिएशन, मैं कुछ नहीं जानता इसके बारे में, अभी अभी हमने रिसर्च की है। ये लोग 3 साल का IDP ऑफर कर रहे हैं, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, जो 165 कंट्रियों में काम करेगा और ये हमको 8 भाषाओं में IDP बना के देते हैं और 2-3 फॉर्मेट में देते हैं, डिजिटल भी दे रहे हैं और प्रिंटेड भी दे रहे हैं। विका द थिंग देयर इज इफ आई लाइक RTO सेड माय ऑफिस सेड मी, ये लोग 1200 अराउंड 1200 दे गिव परमिट फॉर वन कंट्री फॉर 1 ईयर सम परमिट लेटर, बट इट्स ओनली वैलिड फॉर 1 ईयर फॉर दैट पर्टिकुलर कंट्री। इफ यू आर गोइंग टू सम अदर कंट्री स्किपिंग यू नीड टू मेक मोर परमिट्स, बट फॉर दैट वी नीड टू विजिट ऑफलाइन देयर एंड
verify the documents through the KYC and all. There is some procedure. But this company is providing for, like, they have many, many type of categories, like printed, digital, 1 year, 3 year, 2 year. They range something like $50 to $80. Matlab yaar lagbhag 4,000 se lekar 7,000 tak ka inka jugaad baithega. You know, it seems expensive. Actually, expensive, mehenga. Actually, when I calculated the actual cost for long term, it turns out to be cheaper. That's why I'm kind of confused. Because, see, if I'm going to, like, let us say 10 countries in next 3 years, or even in next 1 year, if I'm even going to 5 countries in next 1 year, so I need to make 5 permits, different documents. For that, I need visa for that country, whereas many countries provide visa on arrival or e-visa or visa free. So I cannot get this without visa. Second thing, mere ko yahan pe physically jana padega. Plus, agar main 5 country ka ikattha karta hu, to 6,000 ka kharcha to yahan bhi aa raha hai. If it's 1,200 for one, and I'm taking for 5 countries, 6,000. Yes. It's not an Indian company. This is where I'm confused. This company is not Indian. This company is basically Singapore based. See, I trust Singapore in some way. They have a good culture. They have good law. But I'm also scared. Main aap logo ko recommend karne se kar raha hu. Let's do one thing. I'm not going to depend on this government department, for example, because I don't know how many and which countries we are going to continue. Yes. So, yes. Humko nahi pata hum kis kis desh yahan se jane wale hain. To hum le hi nahi sakte permit. Aur hum wapis India mar nahi aa sakte permit lene ke liye. So, I think we can take a risk of 10,000 rupees to get it in express. So yaar, maine mota mota kharcha bithaya to $130 ka kharcha aa raha hai express mein delivery lene ke liye. Maybe we can take the risk, and if it works, we will recommend to everyone. Yaar, 10,000 अच्छी कीमत है, छोटी कीमत भी नहीं है, क्योंकि जब कटता है ना, जब स्कैम होता है, तो 500 रुपए भी महंगे लगते हैं. लाइफ इज अबाउट टेकिंग रिस्क एंड गिविंग अपॉर्चुनिटी टू अदर्स. आई रीड ऑन द वेबसाइट, दे हैव मेनी मेनी रिव्यूज एंड ऑल रिव्यूज आर गुड. लेट्स टेक अ रिस्क ऑफ 10,000. भाई, अगर ये रिस्क काम किया ना, मैं सबको रिकमेंड करने वाला हूँ वो चीज. What if we don't carry international permit? Can we manage without it? Actually, see, the problem is, see, what I noticed till now, these Westerners, European peoples, they always carry some kind of permit. I never checked, but they say you always have IDPs. I had 2 cases in Laos and 3 cases in Bangkok and in Thailand, where people were caught and police asked a bribe of $50, $100, $200, there's no limit, depending. They end up paying huge money. And if they are caught in some accident or some problem without an IDP, they are fucked up. You know, there's a real story. One girl, she was traveling with me in Laos. Means I met her in hostel. I also made a video with that Peru girl from Peru. Yes, I remember. Andre. So the thing is, she told me she was driving with 2 other girls in Laos. Like, she was sitting at the back and other girl was driving. And likewise, one more pair. The other pair girl got crashed into some local scooter. The local other person got hurt a bit. She also got hurt, but she was not having any kind of permit. And she has to go to jail for 2 days. Oh, wow. This is real case. You know, I was also driving in Laos without any IDP, but the scooter rental said, you don't need IDP, just go and out. You know why? Because they want to make money. They know 70 to 80% of people are not carrying any IDP. And if they make us aware, people will say, no, I don't want scooter, or maybe first I will spend money on IDP, or I'm not prepared with IDP, and the business will get affected. Maximum people say, no one cares. Just be careful with driving, no one cares. But many cases, and in many cases, these scooter rentals are also involved with police and traffic police. They inform this car is coming on this way, this scooter is coming on this way, you can't. Better to be safe. Foreign country. Yes, if their IDP is legit. If their IDP is legit, I want to start a awareness campaign on this to audience. So yaar, finally 10,000 rupees kharch karne ke baad Singapore se aa chuka hai FedEx ka mera packet. Dekhte kya niklega hamare IDP ke 10,000 rupees ke. IDP kit. So yaar, andar se hamara nikla hai ek ye diary, isko khol ke dekhenge abhi, aur ek ye packet, abhi thoda sa phata hua hai upar se, shayad aisi hoga. एंड अंदर से निकला है पूरी पोथी. पोथी में क्या क्या है? पोथी में निकला है पैकिंग. वाओ मैन, दिस इज अ गुड बैग. इट्स अ गुड बैग टू कीप योर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, मनी एंड एवरीथिंग. नाउ देयर इज अवर आईडी, द मेन थिंग. हो गया. तो अंदर से निकले हैं ये हमारे कुछ स्टिकर्स. एक्सक्लूसिव ट्रैवल VPN ऑफर. ये क्या है भाई? इसमें हमको मिलता है 49% ऑफ VPN पे और 30-day रिस्क फ्री ट्रायल. साथ में निकला है इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट प्रिंटेड, जो 8 भाषाओं में आपका ड्राइविंग लाइसेंस इन्होंने प्रिंट करके दे दिया.
साथ में हमारी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है IDP, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट कार्ड फॉर्म में। सो फाइनली जो 10,000 रुपये का मैं रिस्क लिया था उसमें हमारा वैलिड प्रोडक्ट आ चुका है। सो अगर आप लोग भी करना चाहते हो इंटरनेशनल ट्रैवल सेल्फ ड्राइव के साथ, तो आज ही ले आओ ये IDP। इसकी कंपनी से मैंने बात करके हमने इंडिया में एक छोटा सा अवेयरनेस प्रोग्राम चालू किया है, जिसमें अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो ऑन रोड इंडियन 20 तो आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। साथ ही जैसे मैंने आपको बताया ये IDP मिलता है आपको 8 languages में ट्रांसलेटेड, जो आपका पूरी दुनिया में हर जगह चल जाएगा, चाइनीज, जापानीज, इंग्लिश, स्पेनिश, जर्मन, ऐसे करके 8 languages में मिलता है। अगर आपको कम पैसे खर्च करने हैं तो आप केवल इसकी डिजिटल कॉपी भी ले सकते हो, उसमें भी आपको मेरे कूपन कोड से डिस्काउंट मिल जाएगा। गो एक्सप्लोर। वन मोर थिंग, ये 155 कंट्री में काम करेगा। Hey, on road Indian, is this IDP enough? ये चीज तो बतानी भूल गया मैं, बहुत जरूरी, कि ये IDP अकेला किसी औकात का नहीं है, आपको साथ में अपना डोमेस्टिक ड्राइविंग लाइसेंस भी लेके चलना पड़ेगा। ये दोनों साथ में लगेंगे तो ही बनेगा आपका यूजेबल ड्राइविंग परमिट इंटरनेशनली। तो भाई साहब हमारी होगी निकलने की तैयारी, बैग वैग बन चुका है, बैग थोड़ा ओवरवेट हो गया मेरा, 8.5 किलो तक पहुंच गया, एयरपोर्ट पे देखेंगे कैसे करना है। ठीक है चलो चल रहा है, काफी टाइम लगेगा आने में, घर वर का ध्यान रखना सब है। चलो बाय। हाँ सब है, सब है, सब है, चेक कर लिया? हाँ सब है, सब है, ID वाईडी सब है। एक बार फिर से चेक कर ले क्या ID वगैरह सब। पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस, IDP कहाँ है? IDP रहिए। अरे भाई यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो जल्दी में भूल ही गया था, जिसके लिए 10,000 रुपये खर्च करें IDP, उसके बिना कैसे ड्राइव करेंगे बाहर के देश में। चलो मैं चल रहा है, बाय। Hi everyone, so finally I'm leaving. I'm so excited. Actually first I need to reach the Moscow, so I'm going to take the train. सर फ्लाइट में अभी 4-5 घंटे हैं, तो जाने से पहले मैं आ चुका हूँ दिल्ली भगीरथ पैलेस। थोड़ा सा कैमरे का माउंट और थोड़ा सा एक्सेसरीज खरीदनी है मेरे को, देखते हैं कितने की पड़ेगी। वैसे हमेशा इसे ले आता हूँ, अच्छा रेट मिल जाता है, पर टूट जल्दी जाता है साला, देखते हैं आज क्या मिलेगा। तो यार शॉपिंग वॉपिंग करके मैं, मेरे को स्टिक मिल गई 600 की और एक चेस्ट माउंट मिल गया कैमरे का 200 रुपये के आसपास। अभी मैं इस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पे हूँ, डर लग रहा है छत ना गिर जाए ऊपर से। थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, भाग के अंदर पहुँच के सिक्योरिटी चेक करा के बोर्डिंग पास लेके फिर विक्टोरिया से पूछते क्या सिचुएशन है उसका। भाई एक चीज़ ध्यान रखना, कुछ नए रूल आए हैं जिससे दिल्ली एयरपोर्ट पर स्काई पोल बैन कर दिया, मेरी ट्रैकिंग स्टिक इन लोगों ने लेके रख ली, फेंक दी। 15-20 मिनट झगड़ा किया मैं, झगड़ा किया, बहस किया कि प्लीज़ छोड़ो यार, अगली बार, पिछली बार तो छोड़ी थी, 2 साल से घूम रहा हूँ, तब तो पकड़े नहीं, आज क्यों पकड़ रहे हो? पर उसने छोड़ी नहीं उसने। पर आप लोग ध्यान रखना, अगर एयरपोर्ट के ऊपर ट्रैकिंग या स्काईपोल लेके आ रहे हो तो मत लेके आओ, फेंक देंगे लोग, लगेज में रख लो। लग रहा है आज फ्लाइट छूट जाएगी मेरी, बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी 20-25 मिनट पहले। मैं भाग रहा हूँ गेट की तरफ। भाई साहब फाइनली मैं चेक इन काउंटर में आ चुका हूँ, जाके बोर्ड गेट पार कर चुका हूँ लास्ट मोमेंट पे। विक्की से पूछते हैं क्या सीन है। हेलो, क्या ट्रेन छूट गई? हेलो हेलो हेलो, ट्रेन कैसे छूट गई? अबे पहुँचेंगे कैसे? अबे ट्रेन कैसे छूट गई? हेलो, पता नहीं यार क्या लफड़ा हो गया, विक्टोरिया का फ़ोन आया ट्रेन छूट गई, मेरा नेटवर्क गया यहाँ पे एयरपोर्ट के अंदर आते ही। अंदर बैठ के देखता हूँ जल्दी, कुछ करना पड़ेगा।